1566th एपिसोड ऑफ नागपुर्स मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर्स ज्वेलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर। पारेख ब्रदर्स ज्वेलर्स हैज बीन यू नो एट ए तिवारी फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। दे स्टार्टेड इन 1947 एंड अब दे आर ऑल्सो एट शंकर नगर, बिल्कुल बाजार नगर स्क्वायर से जब आप शंकर नगर की तरफ आगे बढ़ते हैं राइट हैंड साइड में टॉपसी टर्वी है। टॉपसी टर्वी के नीचे है पारेख ब्रदर्स ज्वेलर्स विद द न्यू शोरूम एंड विद द न्यू कलेक्शन ऑल्सो। धन्यवाद करता हूँ पहनावा का, पहनावा बुटीक। ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू कट सलॉन नाउ एट शिवाजी नगर। ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू मैम्पी रिजिबल डाइपर्स फॉर चिल्ड्रन एंड कांट फॉरगेट टू थैंक पूजा शेलके हु इज मोर एक्साइटेड विथ अ जिम कॉल्ड लिव फिट विच इज हेल्पिंग लॉट ऑफ लेडीज टू बीट ओबेसिटी। हमारी आज की जो मेहमान है शी कम्स फ्रॉम द कैपिटल ऑफ मिर्चे, आई मीन रेड चिलीज। शी कम्स फ्रॉम गुंतूर एंड सिंस 18 years now, she is being 28 years now, specifically, she is living in the city of Oranges. क्यों गायत्री वात्सल्य बनी हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर, ये वो खुद बताएंगी। चलिए मुलाकात करते हैं हमारी आज की मेहमान मिसेज गायत्री वात्सल्य से। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम, स्वागत आपका आज की बात में। सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ ब्यूटिफुल होम। Thank you so much. And the best thing which I liked about your home is your fridge, because your fridge is full of a lot of magnets and pictures and stickers and drawings. I'm sure your children have made this look very nice. That is my passion actually. Okay, that's your passion. I love ma'am, generally माए अपनी बेटियों को क्रेडिट देती है। आप पहली माँ है दुनिया में जिसे बेटियों से क्रेडिट लेती है। I like that. So I love traveling and I keep collecting small souvenirs, especially the fridge magnets from various countries and various places I travel to. So you always carry it back home. Yes. Those are memories. Yeah, those are memories. मैम गायत्री वात्सल्य यही नाम था आपका विवाह से पहले भी, और आप गुंतूर से हैं। 28 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि गुंतूर छोड़ के आप नागपुर आए? प्यार हुआ और शादी हुआ। सीधी बात। ओके। नागपुर के तरफ मुझे खींच लाए बस। सो मैम क्या लाइफ थी गुंतूर की? विजयवाड़ा के पास ये जो जगह है ये दुनिया का यू नो ग्रीन चिली रेड चिली कैपिटल बोला जाता है। क्या यादें हैं मैम वहाँ? एक्चुअली आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप टिल माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन गुंतूर, सो आई हैव वेरी स्ट्रांग मेमोरीज। ऑब्वियसली बर्थ प्लेस है, तो एज मैंने पहले भी आपसे शेयर की थी कि गुंटूर इज कॉल्ड एज द चिली कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इनफैक्ट वहां से रेड चिलीज जो है वेरी स्ट्रांग एंड वेरी स्पाइसी होते हैं एंड दे गेट एक्सपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। सो दैट इज गुंटूर का खासियत। उसके अलावा मेरा बचपन, पूरा बचपन की यादें, आई हैव थ्री ओल्ड ब्रदर्स एंड माय फादर माय मदर एंड हमारे बहुत सुंदर ग्रीन हाउस देयर एंड हमारा एक आम का बगीचा और मेरी स्कूल फ्रेंड्स कॉलेज फ्रेंड्स, इन सबके साथ जुड़ी हुई मेरी जो यादें हैं सब गुंटूर से हैं। मैम जब हम डाउन साउथ देखते हैं, आंध्र प्रदेश कर्नाटका केरला तमिलनाडु, मैम द मोमेंट हम डाउन साउथ की बात करते हैं, फूड को अगर छोड़ दिया जाए तो वहां की ग्रीनरी की बात होती है। जबकि मैम द मोमेंट आप सेंट्रल इंडिया में आते हैं और अब का जो सेंट्रल इंडिया है, हम शोर 28 साल पहले जब आप आई होंगी तब के नागपुर में और अब के नागपुर में बहुत फर्क है। क्या फर्क देखते हैं? डेफिनेटली ट्रैफिक बढ़ गया, क्योंकि व्हेन आई केम टू नागपुर उस समय पे अभी स्टिल आई फील, इनफैक्ट मेरा लाइफ का आधा समय मैंने अगर गुंटूर में बिताई, सो 60% ऑलमोस्ट अभी उससे ज्यादा नागपुर में हूँ। सो नागपुर से अब ज्यादा कनेक्ट हो गई हूँ, बट स्टिल जब मैं नागपुर शुरुआत में आई थी आई हैड ए प्रॉब्लम, वन स्मॉल प्रॉब्लम, दैट इज माई लैंग्वेज।
सो उस समय पे तेलुगु के अलावा इंग्लिश के अलावा और कोई भाषा नहीं आता था। जो नागपुर है मुझे बहुत कुछ सिखाया, मेरे लैंग्वेज से लेके यू नो मेरा बाकी कुछ जो भी आज बनी हूँ वो सब मैं नागपुर में ही आने के बाद ही सब कुछ बनी हूँ। बट एट द सेम टाइम आप जैसा पूछ रहे तब से और आज का क्या फर्क है जी, उस समय पे नागपुर वॉज लाइक बहुत ज्यादा ग्रीन। इफ यू नो दैट बैंगलोर इज कॉल्ड एज द ग्रीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री जी, एंड उसी समय पे हमारे नागपुर को सेकंड ग्रीनेस्ट सिटी बोलते थे। आज अगर मैं नागपुर को देखती हूँ तो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा दिख रहे, आई अंडरस्टैंड क्योंकि कोई भी सिटी का डेवलपमेंट इस इंफ्रा के साथ जुड़ी है जी। बट व्हाट आई फील, हम अगर और थोड़ा ग्रीनरी बचा सकते हैं तो सेम ओल्ड नागपुर जो पहले था जिसमें हम बहुत फ्रेश एयर लेते थे जी और बहुत फ्रेश महसूस करते थे वो अभी भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ा बहुत उस पर अगर ध्यान देते हैं इस चीज का मुझे लगता है वो पुरानी नागपुर चाहिए हमको वापस। मैम जो काम आप करती हैं प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो मैम यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट इन साइकोलॉजी, जो यू नो एक एक आपकी ये समझाता है कि मैम आप आसानी से लोगों को समझा दी दूंगी ना कि लोग आपको समझाएं कुछ है ना। तो और मैम जो प्रोफेशनली भी आपने जो एक यू नो एक इनिशिएटिव लिया वात्सल्य के माध्यम से जो यू नो ये जो आपने एनजीओ शुरू किया और यू नो डिफरेंट एबल्ड चिल्ड्रन जो हैं या लोग जो हैं उनके लिए आप काम करती हैं, थोड़ा सा गहराई से अगर बताएं कि ये क्या काम करती हैं। एक्चुअली आई वर्क ऑन ए मिशन, उस मिशन जब मैंने स्टार्ट की थी दो मैंने 28 साल पहले इसकी शुरुआत की थी बट बीच में थोड़ा सा मेरा पर्सनल कमिटमेंट्स के वजह से ब्रेक आया जी। बट 8 साल से नाउ 24/7 मैं उसी पे हूँ। तो ये मिशन ये है कि रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटीज। एक कोई भी एक इंडिविजुअल को एज अ होल हमको देखना चाहिए, पर्सन कम्स ऑलवेज फास्ट राइट, सो उनको हमको उस रेस्पेक्ट डिजर्व रेस्पेक्ट देना चाहिए। और एस्पेशली व्हेन यू लुक एट इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पीपल दे आर टोटली नेग्लेक्टेड लॉट। अगर हम डिसेबिलिटीज की बात करते हैं स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड और मेंटली चैलेंज्ड लोगों की बात हम करते हैं उनके प्रति लोगों का सोसाइटी का दो प्रकार के रिएक्शन होता है। एक बहुत ज्यादा दया दिखाते हैं यू नो बहुत पिटी फील करते हैं, दूसरा टोटली नेग्लेक्ट करके दे लुक डाउन अपॉन देम कि ये तो यूजलेस है, ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं। एंड वी हैव सर्टन फ्रेजेस एंड यू नो वर्ड्स उनके साथ हम अटैच करके लेबल करके यूज करते हैं बेचारे इसमें से एक एक बट उससे भी बहुत पेनफुल पागल जी। वो मुझे बहुत ही ऐसा लगता है कि अनपार्लियामेंट्री वर्ड है जी बिल्कुल। सो ऐसी वर्ड यूज करके भी पीपल लुक डाउन अपॉन दैट। सो ये एटीट्यूड बदलने का मैंने एक मिशन बनाई हूँ एंड साथ साथ यू नो आई वॉन्ट टू कीप दीज इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पीपल हैप्पी, हेल्प देम लीड अ डिग्निफाइड लाइफ। सो ये दो मेरे मिशन स्टेटमेंट्स है, वन इज यू नो गेटिंग देम इनटू मेन स्ट्रीम एंड हेल्प देम टू लीड ए डिग्निफाइड लाइफ, सेकेंड सेंसिटाइज इंडिविजुअल सेंसिटाइज सोसाइटी एट लार्ज टू अंडरस्टैंड देम एंड एक्सेप्ट देम। दूसरा है ये दो पैरेलल्स पे मैं काम करती हूँ और मेरा संस्था का नाम एसवीके शिक्षण संस्था है और इट्स ए रजिस्टर्ड एनजीओ, इस एनजीओ के अंडर में मैं ये काम कर रही हूँ 8 साल से और आई कैन से आई एम ए प्राउड मदर ऑफ 11 इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड बट हाईली एबल एंड केपेबल किड्स अदर देन वन बायोलॉजिकल डॉटर। मैम ये जो आप कह रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत जो है मैम वो ये है कि आजादी सबको चाहिए लेकिन भगत सिंह बाजू वाले के घर में पैदा होना चाहिए अपने घर में नहीं। तो मैम ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, मतलब इसको लेकर क्या जागरूकता नहीं है, इसको लेकर कानून नहीं है, इसको लेकर फैसिलिटीज या सुविधाएं नहीं है, या फिर मैम ये हम एक भारतीय संस्कृति में नहीं है, या फिर ये अपब्रिंगिंग का प्रॉब्लम है? इसमें बहुत सारे इश्यूज है राज। सबसे पहले
गवर्नमेंट को आई एम नॉट ब्लेमिंग क्योंकि आई एम नॉट ए वेरी पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल पर्सन. मैं शादी से अपना काम करने वाली इंडिविजुअल हूँ. है बहुत सारे पॉलिसीज बने सिर्फ किताबों तक. अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है. सो उसके लिए किसको ब्लेम करना है आई डोंट नो. फ्रेंकली स्पीकिंग अगर आप मेरा पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे आई एम मोर ऑफ ए गो गेटर देन ए यू नो कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं है मेरा. सो मेरा इश्यू ये है कि मेरे बच्चों को वो जो इज्जत चाहिए था वो जो डिग्निटी चाहिए था एक सबके साथ इक्वालिटी इक्वल ट्रीटमेंट ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हम लोग वो चाहिए था वो मिल नहीं रहा. तो उसके लिए मैंने सोची इधर उधर भागने से लोगों को वो भी की मैंने. एज आई सेड आई एम ए गो गेटर. आई स्टार्टेड यू नो माई जर्नी सिंस फ्रॉम 8 ईयर्स इज अ वेरी बम्पी राइड. इट्स नॉट वेरी स्मूथ और इजी. हर जगह पर मुझे बहुत धक्के करने पड़े मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा बट आई नेवर गेव अप क्योंकि मेरा मकसद जो है मेरे सामने है एंड आई एम सो कॉन्फिडेंट एंड आई एम ए पॉजिटिव थिंकर. डेफिनेटली मेरे स्ट्रांग विल पावर है तो मैं कर सकती हूँ जी. और इसके लिए मुझे बहुत बड़ा सिस्टम की जरूरत नहीं है बहुत सारे पॉलिसीज की जरूरत नहीं है लेकिन जो जरूरत है जी तो लोगों के सोच में थोड़ा सा बदलाव की. ये जो बदलाव आपने बोले है अपब्रिंगिंग की बात. So, इस साल का जैसा मेरे जो भी अभी तक का काम बोलने से पहले मेरा फ्यूचर प्लान आपसे शेयर करना चाहती हूँ. मौका आया है जी. So, मेरा इस साल का जो मिशन स्टेटमेंट ये है कि सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम स्कूल से लेके कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक. क्योंकि यंग एज में अगर हम उनको सही क्या है बता सकते हैं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं दे देम्स विल बिकम द चेंज मेकर्स एब्सोल्यूटली फॉर द फ्यूचर. सो इस साल मैंने आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मेरा कुछ वर्कशॉप्स होते हैं सेमिनार्स होते हैं स्पेशली डिसेबिलिटी एटिकेट के नाम से मैंने खुद डिजाइन की हूँ करिकुलम वो लेके मैंने स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करती हूँ स्पेशली. और ये वर्कशॉप में किन विषयों पर बात होती है? वही है डिसेबिलिटी एटिकेट. मतलब जैसा हम लोगों को लगता है कि इंटेलेक्चुअली चैलेंज है मतलब देर यूजलेस है एंड उनके पास कोई पोटेंशियल्स नहीं है वो कोई केपेबल नहीं है ये माइंडसेट लेके. एंड आई हैव सीन जैसे स्कूल्स में भी बहुत बुलिंग होता है इन बच्चों के साथ. सो अगर वो माइंडसेट हमको चेंज करना है तो इनके प्रति इन लोगों का जो एटीट्यूड है जो सो कॉल्ड व्हाट वी कैन से नॉर्मल पीपल होते हैं सो उनकी एटीट्यूड पॉजिटिव बनाना बहुत जरूरी है कि थिंक बियॉन्ड देयर डिसेबिलिटी सो यू कैन सी देयर एबिलिटीज. सो उसमें यही है जैसा आई कीप टेलिंग मेरा वर्कशॉप सेमिनार्स ऐसे लोग मुझे बुलाते हैं काफी इवेंट्स में हम आई एम बीइंग अ पार्ट ऑफ मेनी इवेंट्स नागपुर में एंड ऑल ओवर द कंट्री. इवन आई विजिटेड जर्मनी ऑल्सो फॉर दिस पर्पज. मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो आई कीप टेलिंग पीपल दैट वेन यू रेफर टू ए पर्सन विथ एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी डोंट यूज द टर्म एज डिसेबल्ड पर्सन. डिसेबल्ड पर्सन शब्द हम कहते हैं मतलब पर्सन को टोटली हम डिसेबल्ड करके एक मैसेज भेजते हैं मतलब मेंटली एंड फिजिकली बोथ विच इज वेरी रॉन्ग. इवन दो दे आर मेंटली यू नो दे हैव सम प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल इश्यूज और मेंटल हेल्थ इश्यूज डजंट मीन ही इज टोटली डिसेबल्ड पर्सन. एब्सोल्युटली उनमें भी एबिलिटीज है जी. वो एबिलिटीज तक इसलिए हम पहुंच नहीं पाते हैं हमारी सोच डिसेबिलिटी तक हम रोक देते हैं. वी रेफर टू दैट पर्सन एज अ पर्सन विथ अ डिसेबिलिटी. सो पर्सन कम्स फर्स्ट. सो एक डिसेबिलिटी तो है ही उसके अलावा उनमें कई सारे एबिलिटीज भी है वो हमको दिखेंगे. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रमोट लाइक एज आई सेड जो मेरे एनजीओ में अभी 11 बच्चे हैं ये 11 बच्चों में से कुछ बच्चे 8 साल से हैं तो कुछ बच्चे 21 ईयर से मेरे साथ जुड़े हैं और उनकी प्रोग्रेस में देखते आ रही हूँ. एंड इन सब का मैं तीन एस्पेक्ट्स पे रोज काम करती हूँ दैट इज देयर लाइफ स्किल्स देयर वोकेशनल स्किल्स एंड देयर सोशल स्किल्स. लाइफ स्किल्स इसलिए है कि आई वॉन्ट देम टू बी इंडिपेंडेंट खुद का काम खुद करे और घर वालों के लिए भी ये थोड़ा मदद करे मम्मी को किचन में हेल्प करे और बाहर जाके कुछ शॉपिंग करे कुछ सब्जी लेके आए कोई दूध लेकर आए कुछ किराना लेकर आए. वहां तक मैं इनको अभी ट्रेन कर चुकी हूँ एंड दे ऑल हैव स्मार्टफोन्स
कैलकुलेटर्स, दे यूज द कैलकुलेटर्स एंड बेसिक कैलकुलेशंस करते हैं आराम से, जैसा आप है मैं हूँ, हम घर के आसपास सब्जी की दुकान जाके सब्जी लाते हैं वो भी लाते हैं जी। एंड सेकेंड देयर सोशल स्किल्स, जैसा आई ट्रेन देम विथ कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल बिहेवियर, पब्लिक बिहेवियर, वर्क प्लेस बिहेवियर, ये सारा जी। सो जैसा हमको मालूम है कि कौन सी सेटअप पे, कौन सी माहौल में किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, वो सब मेरे बच्चे बहुत परफेक्टली करते हैं जी। दे ऑल आर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड एंड उनकी डायग्नोसिस ऑटिस्टिक है कुछ बच्चे एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर है जी। कुछ बच्चे डाउन सिंड्रोम की है, कुछ बच्चे सेरेब्रल पैलेसी से है, कुछ बच्चों का बॉर्डरलाइन मेंटल रिटार्डेशन है। बट फिर भी ये सारे काम जो हम करते हैं बहुत खूबी से, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाते हैं, सारा काम बहुत परफेक्टली करते हैं। एंड इनफैक्ट मेरी बेटी तो कभी कभी मेरे से बोलती है, आई सी यू बिट ऑफ यू इन ऑल ऑफ योर स्पेशल किड्स, अम्मा करके बोलती है। सो दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, क्योंकि जो डिसिप्लिन हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, दो आई कीप रेफरिंग देम एज बच्चे, ऑल दीज आर बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 35 ईयर्स, राइट। So when it comes to their discipline, when it comes to their good behavior, जी. when it comes to their eating habits, जी. हर चीज में बिल्कुल perfect है जो at उनकी age, हाँ, yes. जी. And इसके अलावा I'm coming to their vocational skills part. So I want them to earn for themselves, whatever the amount and whatever the abilities they possess, जी. उसको इस्तेमाल करके जितना जमता है उतना काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, खुद के लिए कुछ पैसे कमाना चाहिए। इससे क्या है, अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ती है। और मेरे बच्चे यही कर रहे हैं 8 साल से। आई ट्रेन देम इन हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग स्किल्स, क्योंकि आई हैव आइडेंटिफाइड कि उनमें क्या क्या एबिलिटीज है, जिस एबिलिटीज के वो खुद इस्तेमाल करके अपने लिए कुछ काम करके कमा सकते हैं। मैम मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बीच में ऐसा भी शो हुआ था जहाँ पर ये सभी बच्चे फैशन शोज बिग एफएम में उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था। yes, आरजे निशा ने उनका इंटरव्यू भी किया था। एग्जैक्टली निशा इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड एंड शी इज क्लोजली एसोसिएटेड, शी इज अ ग्रेट, शी इज अ ग्रेट रेडियो जॉकी एंड शी मेड माई किड्स एज आरजेस फॉर एन आर। आई हर्ड दैट शो जी, एंड आई लव दैट शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड आई रियली आई मीन आई शुड थैंक ऑन दिस प्लेटफॉर्म टू आरजे निशा एंड बिग एफएम, ग्रेट इनिशिएटिव। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। ये जो पूरे ये जो समर्पण का भाव है ये बच्चों के लिए है ना मैम, ये कहाँ से आता है? अगर मुझे पूछेंगे, आई फील आई हैव अ वेरी स्ट्रांग मैटरनल इंस्टिंक्ट बचपन से। जब मैं बहुत छोटी थी तभी भी आजू बाजू वाले बच्चों को ले आके मैं बहुत उनका ख्याल रखती थी। सो तब से आई थिंक वो जनरेट हुआ होगा, आई डोंट नो, बट धीरे धीरे मेरे एज के हिसाब से वो बढ़ता गया। एंड व्हेन आई गॉट इनटू दिस प्रोफेशन एज आई माय एंटायर एजुकेशन, जो भी मेरा क्लिनिकल साइकोलॉजी है, साइकियाट्रिक सोशल वर्क है, मेरा एमफिल है, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज मैंने की हूँ, हर चीज ये इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड बच्चों के बारे में ही, क्योंकि मैं शुरुआत से देखते आई हूँ कि उनको जो प्यार मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है। सो आई थॉट आई नीड टू स्टैंड फॉर देम, कहीं ना कहीं किसी न किसी को कुछ तो आवाज उठाना ही पड़ेगा। बट आई डोंट नो, मेरा इनर आवाज शुरू से बोलता था कि नहीं, दिस इज योर पर्पस, यू हैव टू बी विद देम, फॉर देम इन फैक्ट। सो उस इच्छा से आई स्टार्टेड। सो शुरुआत से मेरा करियर ही एज ए काउंसलर आई स्टार्टेड एंड आई वर्कड विद भवन सिविल लाइन्स ब्रांच, भारती कृष्ण विद्या विहार एंड वेरियस अदर स्कूल्स एज ए विजिटिंग काउंसलर एज वेल। सो वहां जब एडमिशन प्रोसेस होता था, यूज टू कम अक्रॉस सम स्पेशली एबल्ड किड्स, जो खुद पेरेंट्स को भी कभी कभी मालूम नहीं पड़ता था कि ये बच्चे स्पेशली एबल्ड हैं। सो वी यूज टू डायग्नोस एंड यूजुअली स्कूल अथॉरिटीज बोलते थे ये नॉर्मल स्कूल है तो इनको स्पेशल स्कूल भेजना चाहिए। सो आई ट्राइड माई बेस्ट कन्विंसिंग देम एंड आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन नागपुर, आई कैन से प्राउडली, दैट इंट्रोड्यूस्ड इंक्लूजन हियर इन नागपुर। Inclusion is, it's not just providing the infrastructure only, but
जहाँ सो कॉल नॉर्मल स्कूल हम कहते हैं वहाँ पर इन बच्चों को भी पढ़ने का पूरा अधिकार है। कोई भी स्कूल बाय सेइंग दैट ये मेंटली चैलेंज्ड है, ये विजुअली चैलेंज्ड है, ये फिजिकली चैलेंज्ड है, इसलिए हम उनको एडमिशन नहीं दे सकते हैं, ऐसा डिनाई करने का हक लीगली किसी को भी नहीं है। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं हर इंडिविजुअल को राइट टू एजुकेशन है। सो डेफिनेटली कोई भी स्कूल्स एज पर द यू नो इंडियन लीगल सिस्टम इस डिसेबिलिटी को हाईलाइट करके या डिसेबिलिटी के वजह से डिनाई नहीं कर सकते हैं। सो आई मेड देम अंडरस्टैंड एंड आई एम सो फॉर्चुनेट नागपुर की स्कूल की जो अथॉरिटीज है इतनी ओपन माइंडेड है, सो दे अलाउड मी टू हैव दीज टू स्टूडेंट्स स्पेशली एबल स्टूडेंट्स इन टू द मेन स्ट्रीम स्कूलिंग। उसमें मैंने क्या की, आई डेवलप इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान एज पर द नीड्स एंड एबिलिटीज ऑफ दीज स्पेशली एबल बच्चे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, ऑटिस्टिक बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स अलग है, सेरेब्रल पैलेसी का जो बच्चे हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल अलग है। सो उस हिसाब से हर इंडिविजुअल दे हैव देयर ओन नीड्स, सो वो नीड्स बेसिस पे हमने इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स मैंने बनाई हूँ और एक रिसोर्स रूम डेवलप की हूँ जहां पर यूजिंग वेरियस इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स हम उनको सिखा सकते हैं उस डिवाइसेस के थ्रू। सो एंड कुछ घंटे 3 घंटा बाकी सारे बच्चों के साथ नॉर्मल क्लासरूम में बच्चे बैठते थे। इससे दो फायदा, एक नॉर्मल बच्चों में एक्सेप्टेंस बढ़ता है, बचपन से देखते आ रहे दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी, दे आर पार्ट ऑफ माई स्कूलिंग, दे आर पार्ट ऑफ माई क्लासरूम, तो ये सब मेरे क्लासमेट से मेरे फ्रेंड सर्कल में आ सकते हैं, ये सब वो एक्सेप्टेंस इन बच्चों में बढ़ेगा। साथ साथ इन जो स्पेशली एबल बच्चों में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बिल्कुल वो भी बढ़ेगा, क्योंकि मैं भी इनके साथ हूँ, मुझे कोई अलग नहीं किया है जी। तो वो फीलिंग से जब बड़े होते हैं दोनों तरफ से पॉजिटिविटी बहुत बढ़ता है, तो वही मेरा उद्देश्य था। बट मैम राइट टू इक्वालिटी है क्या इन यू नो इन स्पेशल जो बच्चे हैं, क्या इन्हें वो इक्वल राइट्स मिलते हैं? स्कूल एजुकेशन में तो नहीं मिलते, वोटिंग राइट्स मिलते हैं? वोटिंग राइट्स मिलते हैं बिल्कुल, मेरे बच्चे फर्स्ट टाइम अभी 3 साल पहले वोट करके आए हैं, वोट करके आए एडल्ट्स हैं, सो वोट करके आए, फेसबुक में भी हमने पोस्ट किए हैं, इन सबको वोटिंग राइट्स है। बट ये जो इक्वालिटी वाली चीज है इसमें कौन सी चीजें जो आपके हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि इनको मिल जानी चाहिए? स्पेशली एजुकेशन एंड दूसरा वोकेशनल स्किल फैसिलिटीज एंड थर्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो बहुत सबसे और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ यू नो बैंक लोन्स एंड एवरीथिंग। नो नो नॉट इट बैंक लोन्स की जरूरत ही नहीं है। स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज आगे आके इनको एडमिशन देना चाहिए। अच्छा मेरा कहना वो है क्योंकि इनके लिए क्या है नेशनल मेरे सारे बच्चे मैक्सिमम ग्रेजुएट्स हैं जी, कोई कंप्यूटर साइंस से किए, कोई आर्ट्स में किए, कोई इवन साइकोलॉजी से भी किए। मैं मानती हूँ उनको थोड़ा सा राइटर की सपोर्ट लगता है जी, बट स्टिल वो थोड़ा सपोर्ट सिस्टम हमारे तरफ से अगर गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगे आते हैं, हम भी ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे इन बच्चों को, ये मेन स्ट्रीम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एनरोल करेंगे, ऐसे कुछ यू नो डिसीशन होना चाहिए, इंस्टीट्यूट आगे आना चाहिए। और दूसरी बात वर्क प्लेस, जैसा नागपुर में ही फॉर एग्जाम्पल आप देखिए इतने सारे फूड आउटलेट्स है, इतने सारे कंपनीज है, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ना कहीं इन बच्चों को हम उनकी एबिलिटीज के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, काम दे सकते हैं। व्हेन आई स्टार्टेड दिस एनजीओ माय इंटेंशन वाज जस्ट टू ऑफर वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल्स टू देम, उसके बाद उनको इंडस्ट्री रेडी बना के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में उनको प्लेसमेंट के लिए भेजने का उद्देश्य से ही मैं एनजीओ स्टार्ट की। But nobody was ready to trust the abilities of these people by saying that कि इनको अगर हम नौकरी देते हैं हमारा मैन पावर का मैन आवर्स वेस्ट हो जाएंगे इनके पीछे जी, क्योंकि खुद अपने से काम कर ही नहीं सकते हैं। अगर कोई हमारा जो ऑलरेडी एम्प्लॉई है उनको इनके पीछे लगाएंगे इनकी मैन आवर्स जो है वेस्ट जाएंगे, सो दैट वॉज द थिंग। देन एज आई सेड आई एम ऑलवेज ए गो गेटर, आई डोंट यू नो keep complaining and all arguing with people कि आपको नहीं जम रहा तो मैं ही करूंगी। देन आई केम अप विथ एन आइडिया
to start something to provide employment job opportunities to these intellectually challenged capable adults. So that एक model जैसा बनेगा तो शायद लोग इसको देख के बिलीव करना शुरू करेंगे कि इनको अगर हम ट्रेन करेंगे एंड अपॉर्चुनिटीज देंगे, थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे, तो उनकी जितना भी एबिलिटी से उसके अनुसार वो भी काम कर सकते हैं. सो व्हाट आई डिड वाज आई नोटिस्ड लेबलिंग का काम, जो स्टिकर चिपकाते हैं हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, वो तो बहुत आसानी से कर सकते हैं ये बच्चे. सो व्हाट आई डिड वाज कि आई इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मिलेट प्रोडक्ट्स किया. इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है एंड इनको जॉब देने का तो प्राइम मोटिव था जी. कि मिलेट्स ही क्यों, ये इसलिए है कि आई स्टार्टेड ईटिंग मिलेट्स सिंस ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से. थोड़ा सा मैं लाइफ स्टाइल चेंजेस की हूँ जिसके वजह से, मतलब आई गो फॉर द वर्कआउट एंड थोड़ा डाइट चेंजेस जिसमें मिलेट्स इंक्लूड की. और इस मिलेट्स को मुझे आंध्रा से या तमिलनाडु से प्रोक्योर करना पड़ता था विच वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर. सो आई थॉट इधर उधर जाने से अच्छा अगर उस प्रोडक्ट को हम यही से स्टार्ट करेंगे जी. तो इनको नौकरी भी मिलेगा, उनको थोड़ा अर्निंग भी हो जाएगा. सो आई प्रोक्यूर व्हाइट लेबल्ड मिलेट प्रोडक्ट्स, वेरियस मिलेट प्रोडक्ट्स, जो होल मिलेट्स है, मिलेट रवाज है, मिलेट फ्लेक्स है, मिलेट इंस्टेंट डोसा और इडली मिक्सेस है, मिलेट नूडल्स है, मिलेट पास्ता है, ऐसे अलग अलग बट वेरी हेल्दी मिलेट प्रोडक्ट्स. मैं तमिलनाडु और आंध्रा से, तेलंगाना से प्रोक्यूर करती हूँ व्हाइट लेबल. और उस पे हमारा जो मिलेट मैजिक ब्रांड है उसकी स्टिकर्स हमारे बच्चे चिपकाते हैं एंड वी सेल देम इन वेरियस एग्जीबिशंस थ्रू आवर स्टॉल्स. ये हमारा कोई आउटलेट नहीं है, सिर्फ एग्जीबिशंस में एंड नॉन कॉन्टेक्ट. अभी तो अभी ये काम 8 साल से कर रही हूँ. वी हैव ए रेगुलर क्लाइंट बेस, सो वो रेगुलरली हमसे ये मिलेट प्रोडक्ट्स खरीदते हैं एंड इन बच्चों को पर लेबल 10 रुपीज आई पे दें. अच्छा. सो अगर 10 प्रोडक्ट्स का ये लेबलिंग करते हैं बहुत आसानी से 100 रुपीज ही कमाते हैं. क्योंकि ये मेरे लिए कोई बिजनेस वेंचर नहीं है, इसमें कोई मेरा पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं है. सिर्फ और सिर्फ इस इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड अडल्ट्स को काम देने के उद्देश्य से ही ये स्टार्ट की हूँ. सो व्हाट एवर वी अर्न गोज टू देम एंड आई वर्क ऑन वन स्ट्रांग प्रिंसिपल, नो चैरिटी नो डोनेशन. आई डोंट एक्सेप्ट एनी मॉनिटरी डोनेशन फ्रॉम एनी बडी, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एंड चैरिटी भी आई से नो, वी डोंट वॉन्ट एनी चैरिटी. हमारे बच्चे बहुत सुंदर हैंडब्लॉक प्रिंट प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं जिसमें वेरियस ट्रेस है, कोस्टर्स है, ज्वेलरी बॉक्स, वेरी यूनिक. आपको SVK के अलावा ये प्रोडक्ट्स कहीं नहीं मिलेंगे. सो ऐसी यूनिक प्रोडक्ट्स हमारे बच्चे बनाते हैं, 50+ प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं हैंडब्लॉक प्रिंट से. और मैट्रमे प्रोडक्ट्स भी मदर्स की हेल्प से कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं. और दिवाली आए तो आई कैन प्राउडली से एटलीस्ट 20% ऑफ नागपुर की घर में हमारे बच्चों का हाथ से बना हुआ टेराकोटा दिया से ही दिवाली मनाया जाता है. क्या बात जी, क्या बात. सो उस हिसाब से और हर दिवाली में मेरे बच्चे 5 से 7 हजार पर हेड ये 2 महीना जो दिवाली का तैयारी की इसमें कमाते हैं. और भी मैम जितने भी जिस हिसाब से लाइफस्टाइल में यू नो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं भारत ब्लड प्रेशर का ऑलरेडी डायबिटीज का ऑलरेडी कैपिटल बन चुका है. आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे ऐसे यू नो फिजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं जिससे यू नो हम वो चीजों के कैपिटल बनने वाले हैं. मैम एक मेंटल हेल्थ का भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में हम देखने वाले हैं. ऑलरेडी स्टार्टेड जिससे भारत जूझने वाला है जी. मतलब मैम बहुत सारी ऐसी मानसिक तकलीफें हैं जिसको लेकर बच्चों को ऑलरेडी टीचर्स ने स्कूल में महसूस करना शुरू कर दिया, माता पिता को वक्त लग रहा है. मैम क्या एपिलेप्सी जिसमें से एक है कि आने वाले दिनों में भारत यू नो हर 5वां या 6वां बच्चा एपिलेप्सी से जूझेगा, ये भी एक बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है. मैम माता पिता को कौन सी चीजों का ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए? बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. इसमें मुझे लगता है कि बच्चे हो या बड़े हो, अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है थोड़ा लोअर करना चाहिए एंड थोड़ा स्लो डाउन होना चाहिए. मेटीरियलिस्टिक नीड्स के पीछे जो हम भागते हैं ना, वो रेस में थोड़ा स्लो होना चाहिए. एंड इसके अलावा जो हमारे आसपास सिंपल प्लेजर्स हैं
उसको एंजॉय करना सीखना चाहिए। जैसा छोटे बच्चे हैं हमारे घर पे ही, जैसा पेरेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम टाइम बच्चों को आपको ये पढ़ना चाहिए, इतनी मार्क्स लाना चाहिए, ये कोर्स में जाना चाहिए, इसमें करियर बनाना चाहिए, उसके बाद आपको टेक होम सैलरी इतना होना चाहिए, या आपको पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ यूएस में करना चाहिए, एंड इसी प्रकार का ज्यादा बोलते हैं जी। डेफिनेटली आई डोंट से देयर इज अ हार्म इन दैट। उसके अलावा आपने को करियर बनाना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, उसके साथ साथ अपना भी खुद का कुछ ऐसी नीड्स होते हैं जो हमारी जो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए, उस नीड्स के बारे में बच्चों को बोलना चाहिए। आजू बाजू देखो, जैसा फॉर एग्जांपल आप यहीं पर आप बाहर देखेंगे, यू कैन सी 150 to 200 मुनिया बर्ड्स रोमिंग अराउंड इन माई गार्डन। सो वहां पर उनको हम खाना खिलाते हैं, नेचर को एंजॉय करना सिखाना चाहिए। उसके अलावा कुछ हॉबीज डेवलप करना सिखाना चाहिए, स्पोर्ट्स या गेम्स, नॉट द कॉम्पिटिटिव गेम्स आई एम टॉकिंग अबाउट, स्पोर्ट्स या गेम्स खेलने के लिए एनकरेज करना चाहिए, हॉबीज के प्रति उनकी जो इंटरेस्ट है डेवलप करना चाहिए। सो ये सारा अगर होते हैं, दीज थिंग्स एक्ट एज डिस्ट्रेसिंग फैक्टर्स। एब्सोल्युटली। तो वो रनिंग तो हमको करना ही है, लेकिन वो रनिंग में जब जब हमको लगता है कि हम थक रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसको बैलेंस करने के लिए ये भी लाइफ हमको पैरेलली जीना बहुत जरूरी है। जैसे एज आई सेड, मेरी ये जो जर्नी है बहुत बम्पी राइड है जी, एंड बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रेस दो में लेती नहीं हूँ, एक ग्लास केस ऐसी बनाई हूँ, बट स्टिल आई समटाइम्स डू नीड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन प्रोफेशनली। उस समय उसके लिए डिस्ट्रेसिंग मेरे लिए आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू, आई लव ट्रैवलिंग, ग्लोब ट्रॉटिंग, एंड यू नो आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट फॉर यू नो फैंसी क्लोथ्स है, ये बाकी ऐसी ज्वेलरी है वो सब नहीं है। सो ओनली थिंग इज यू नो चलो बैग पैक करो, एंड बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक्स तो लेती हूँ मैं, एंड फॉर्चुनेटली माई हस्बैंड सपोर्ट्स मी अ लॉट एंड माई डॉटर सपोर्ट्स मी अ लॉट। इनफैक्ट मेरे हर काम में, वेदर इट्स ए प्रोफेशनल वर्क और यू नो परस्यूइंग माय पर्सनल हॉबीज और इंटरेस्ट, माय टू स्ट्रांगेस्ट पिलर्स ऑफ सपोर्ट आर माय हस्बैंड डॉक्टर रमना एंड माय लवली डॉटर प्रेरणा। सो ये दे प्लान सम स्मॉल हॉलीडेज फॉर मी, ईयरली वन लॉन्ग ब्रेक लेते हैं हम, एंड ट्रैक्स पे जाते हैं, समटाइम्स 9 आवर ट्रैक करते हैं, समटाइम्स 13 आवर ट्रैक करते हैं। उसके लिए पहले से खुद को मैं फिजिकली प्रिपेयर भी करती हूँ, हिमालयन ट्रैक पे भी हम जाते हैं। तो ये सब हमारे डिस्ट्रेसिंग फैक्टर्स होते हैं। उसके अलावा आई हैव ए टेरेस गार्डन, सो लोग बोलते हैं इतना टाइम हमारे पास कहाँ से मिलता है, बट 24 आवर्स भगवान ने दिया है, तो कम से कम दिन में 2 घंटा मेरे टेरेस गार्डन के लिए मैं निकाल ही सकती हूँ, उतना समय मेरे पास है। सो टेरेस गार्डन में वी ग्रो वेजिटेबल्स कम से कम हफ्ते में 10 दिन के लिए भरपूर, हमारे घर की जो हम दो लोग हैं, सफिशियंट वेजिटेबल्स हम ग्रो करते हैं ऊपर, इंक्लूडिंग कैरेट से लेके कॉलीफ्लावर, स्वीट पोटैटो से लेके जो भिंडी है, बैंगन है, टमाटर है, सारा। इट्स अ डिस्ट्रेसिंग थिंग, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स भी मिल रहे हैं, साथ साथ डिस्ट्रेसिंग भी होता है काम से हम जब घर लौटते हैं। एंड आई लव कुकिंग एंड आई एम अ फूड ब्लॉगर ऑल्सो, आई हैव माय ओन फूड ब्लॉग कॉल्ड फूड थेरेपी, सो अगेन फूड एक्ट्स एज अ थेरेपी फॉर मी। एब्सोल्युटली। सो आई एम ए फूडी एंड आई लव टू कुक एज वेल एंड आई लव टू फीड पीपल एज वेल। सो हेल्दी, आई ट्राई टू बी हेल्दी बट डेफिनेटली टेस्टी खाना। मैम मेरे आखिरी के 2-3 सवाल, एक ये कि मैम अभी और क्या क्या चीजें हैं बकेट में और क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेड, फर्स्ट इन माय बकेट लिस्ट, प्रोफेशनल फ्रंट में हम बात करेंगे, सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स अबाउट डिसेबिलिटी इश्यूज, नॉट जस्ट अबाउट द इंटेलेक्चुअली चैलेंज, but to improve the acceptance of people with other disabilities as well, like visually challenged hai, deaf and mute hai, physically challenged hai, sara logon ko as a whole accept karne ka logon ko mujhe prepare karna hai, then only we all can live in harmony in this society. Wo ek mera sabse pehla professional front pe, and rest of the things whatever I am doing, I am very happy, is saal bhi aur aage le ja rahe, जैसा मैंने बोली हमारे बच्चे अभी तक दिया बना रहे हैं, लेबलिंग का काम कर रहे हैं, मैक्रोमे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हैंडलॉक प्रिंट भी कर रहे हैं,
इस साल नया एडिशन है सोप मेकिंग एंड शैम्पू बार मेकिंग जी, ये भी प्रोडक्ट लिस्ट में हम इंक्लूड कर रहे हैं सो दैट कि मेरा बच्चों का अर्निंग कैपेसिटी बढ़े, सो दैट थोड़ा और ज्यादा वो कमा सकते हैं। अल्टीमेटली माई इंटेंशन इज टू मेक देम हैप्पी। और ये सारे बच्चे फैशन शोज बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं मुंबई में, हैदराबाद में। जैसे 2 मंथ्स एगो जो हमारा फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री वेंकैया नायडू जी, उनके सामने मेरे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए और हमारे बच्चों को उनके साथ चीफ गेस्ट बनाया गया था एक ग्लोबल इवेंट की लॉन्च में। सो इस प्रकार के स्पेस में भी जा रही हूँ, आई एम हैप्पी और आगे भी। एंड नागपुर इज आई फाउंड वेरी ओपन, एंड एक्सेप्टेंस की जब बात आती है तो लोग यहाँ बहुत ओपन माइंडेड है। सो दिस इज वॉट आई एक्सपीरियंस हियर इन नागपुर कम्पेयर टू द अदर सिटीज। आई ट्रेवल ए लॉट, आई कीप मीटिंग पीपल, आई कीप डिस्कसिंग दीज डिसेबिलिटी इश्यूज विद पीपल, बट जितना मुझे यहाँ पर ओपन माइंडेडनेस दिखा, एक्सेप्टेंस दिखा, वॉर्म्थ दिखा, वो मुझे इतना ज्यादा कहीं और नहीं दिखा। एंड सेकेंडली आई एम सो सॉरी, नो मैम प्लीज, सेकेंडली जब आप बकेट लिस्ट की बात कर रहे हैं, जैसा मेरा पर्सनल इश्यूज में जारी रहेंगे, इसमें मेरा प्रायोरिटी इज जितना भी अभी तक मैंने 23 कंट्रीज देखी हूँ, इस साल मुझे और 2 कंट्रीज उसमें ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि आई गेट ए लॉट ऑफ स्ट्रेंथ बाय ट्रैवलिंग, बाय विजिटिंग न्यू प्लेसेस एंड यू नो एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस एंड यू नो अंडरस्टैंडिंग द लोकल कल्चर एंड अंडरस्टैंडिंग द फूड हैबिट्स देयर। सो एक और फ्रिज भी लेना पड़ेगा मैम आपको, है ना मैम? ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया गायत्री वात्सल्य, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? उसमें सिर्फ मेरा जो पर्सनालिटी को सूट करते, दैट इज लाइफ इज वेरी शॉर्ट, स्टे हैप्पी एंड कीप पीपल अराउंड यू वेरी हैप्पी। जियो और जीने दो, जीने दो और खुश रखो जितना हो सकता है। देखिए एक बहुत छोटी सी जिंदगी है, भगवान ने अगर हमको इतना अच्छा सुंदर जिंदगी दी है, खुद के लिए तो जीना ही है, देर इज नो हार्म इन दैट। साथ साथ एटलीस्ट हमारे आजू बाजू जितने भी लोग हैं, हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी खुश रखो साथ साथ। तो साथ मिलके खुश रहेंगे तो ज्यादा खुशी बढ़ेगी। मैम एक नाम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये नाम आप इन्हें जानती हैं? ईशा वर्मा। यस, शी इज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, माई डार्लिंग डॉटर, गॉड गिवन डॉटर ईशा वर्मा। मैम जब मैं छोटा था तो मैं गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर अपनी नानी के घर जाता था, तो वहां पर मेरे 2 मामा रहते थे और उनके बच्चे, उनकी पत्नी और उनके बच्चे। तो उनमें से मेरी एक बहन थी, है जी, जिसको देखकर मैं, क्योंकि मैं उम्र में बड़ा हूं है ना, तो मुझे हमेशा चिंता होती थी कि ये मेरी बाकी बहनों का तो हो जाएगा, मेरी ये बहन। और मैम ये इतना बड़ा आज मैं ऑन कैमरा एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मेरे 2 बड़े बच्चे हैं मैम, आई हैव माय ओन 2 बॉयज किड्स। एंड मैम जब मैं बच्चों की चिंताओं में रहता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दिल के कोने में एक चिंता मेरी ईशा वर्मा को भी लेकर रहती है, मेरी वो यही बहन है मैम। आपको कितना अच्छा दिल। और मैम मुझे बड़ा गर्व है, मुझे बड़ा गर्व है आज ईशा जो भी कर रही है और जिस तरह भी आगे बढ़ रही है, आई एम प्राउड ऑफ हर। एंड मैम आई नेवर न्यू हु इज द पर्सन बिहाइंड इट, एंड मैम टूडे इट्स सच अ शॉकर फॉर मी बिकॉज शी इज वॉचिंग द शो राइट नाउ एंड आई एम स्पीकिंग टू यू एंड आई कुड रियली कनेक्ट एंड आई थिंक यू आर द पर्सन हु हैव मेड हर द वे शी इज डूइंग इन यू नो ग्रेट इन लाइफ एंड आई रियली वांट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू दैट सो मच, आई एम इक्वली प्राउड ऑफ माई ईशा, क्योंकि आई स्टिल रिमेम्बर, ये आज नहीं 2002 से मेरे साथ है, जब वो छोटी सी बच्ची थी जी, तब मैंने उसको बोलती थी ईशा चल आज असेंबली में तुमको थॉट ऑफ द डे बोलना है, ऐसी लिटरली कांपती थी, मेरे पीछे चुपती थी मेरी उंगली पकड़ के। वही बच्ची आज एक इंटरनेशनल इवेंट्स में भी कंपेयरिंग करती है,
वाओ, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स में भी जैसे सामने हजार लोग भी खड़े हैं, माइक लेके सामने खड़े रहे के कंपेयरिंग करती है, उससे ज्यादा कोई भी मदर को, आई ट्रीट माई सेल्फ एज ए फॉस्टर मदर टू ऑल दिस 11 चिल्ड्रन, सो उनकी हर एक छोटी से लेके बड़ा अचीवमेंट के लिए मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है। तो उससे बड़ा मैं रियली प्रे वो आरजे राज तो बहुत कम अच्छा बात करते, वो बहुत अच्छा बात करे और बहुत नाम कमाए। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमें इंस्पायर किया, आपने उन बच्चों को राह दिखाई मैम जिनको ऐसा लगता था कि अंधेरा है, आपने उनके हाथ में वो मशाल थमाई है जिससे मैम वो ना ही सिर्फ अपनी जिंदगी में लेकिन दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी लेकर आएंगे। आपने अच्छा है बिल्कुल। और मैम मेरे बच्चे टॉर्च बेयरर्स बने और मेरे पेरेंट्स भी बाकी पेरेंट्स के लिए टॉर्च बेयरर्स बने, एक इंस्पिरेशन बने। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच, इट्स अ ऑनर इंटरव्यूइंग यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड आई रियली अप्रिशिएट राज की बात, आपका जो वेरी पॉपुलर शो, क्योंकि इट्स ए ग्रेट प्लेटफॉर्म जहां पर जैसा आई वॉज टॉकिंग अबाउट इंक्लूजन एंड सेंसिटाइजेशन, सो आई एम श्योर आज आपकी राज की बात की प्लेटफॉर्म के थ्रू डेफिनेटली सम हंड्रेड्स ऑफ पीपल इट माइट हैव रीच्ड द मैसेज अबाउट क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव सोसाइटी एंड हाउ इम्पॉर्टेंट सेंसिटाइजेशन इज। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। प्लेजर मैम, थैंक यू सो मच। गायत्री वात्सल्य मैम से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात वुमेन ऑफ द ईयर के साथ। शी इज नॉट जस्ट अ वुमेन ऑफ द ईयर, शी इज अ सुपर सुपर वुमेन ऑफ द ईयर। सबसे पहले ईशा, आई लव यू, यू डूइंग गुड, ग्रेट, एक नंबर, चलते रहो। मैं बहुत जल्दी आऊंगा ईशा से मिलने के लिए। और ईशा बहुत अच्छे चाय बनाती है। अरे ये तो पक्का है फिर, है ना। अब एक बात ये जो मैं करना चाहूंगा यहां पर, और वो है उनके लिए जिन्हें हम, ये सवाल शायद आपके मन में आए कि इंटेलेक्चुअली चैलेंज कौन है, वो जो अपने ही देश में रहकर अपने ही देश में टैक्स नहीं भरते हैं, चोरी करते हैं, वो जो चंद पैसों के लिए, बिरयानी के लिए, शराब के लिए अपने वोट को बेच देते हैं, वो जो लाल सिग्नल देखने के बावजूद भी सिग्नल तोड़ते हैं, वो जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, वो जो लोगों से, लोगों का मत लेने के बाद लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, वो जो सिर्फ एक पार्टी का लोगो देखकर, पार्टी के नेता के चेहरे को देखकर एक ऐसे नेता को वोट देते हैं जो 5 साल काम नहीं, करप्शन करता है, वो जो अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए दूसरों के एडमिशन को खा लेते हैं अपने पैसे की धौस जमा कर, इंटेलेक्चुअली चैलेंज कौन है? हम हैं। और हम किन्हें देखकर कहते हैं कि इंटेलेक्चुअली चैलेंज है? वो जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, उन्हें आप कोई भी लक्ष्य दीजिए, उस लक्ष्य के पीछे वो पिल पड़ते हैं, वो इंटेलेक्चुअली चैलेंज नहीं है। हम इंटेलेक्चुअली चैलेंज हैं। और ये इतने दुर्भाग्य की बात है कि वो सब लोग, वो लाखों लोग जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, क्या उन्होंने ये सपना देखा होगा कि हम इतने सब इंटेलेक्चुअली चैलेंज हो जाएंगे? कृपया किसी को जज करने से पहले आप अपने आप को उसके गिरेबान में डालकर देखें, आप अपने आप को उस परिस्थिति में, उस व्यथा में डालकर देखें, और उसके बाद महसूस करके सोचें कि अगर मैं उस स्थिति में होता तो, और अगर कोई मेरे बारे में ऐसा कहता तो मुझे वो कैसा महसूस होता। उम्मीद है ये शो उन तक जाए जिन तक ये बात जानी चाहिए। ये बात अलग है कि गायत्री वात्सल्य जैसी महिलाएं इस समाज में हैं जो ये कहकर
यू नो अपना काम उतनी यू नो ईमानदारी के साथ कर रही हैं, उस समर्पण के साथ कर रही हैं कि हमें किसी और की जरूरत नहीं, हम खुद ही अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन क्या इन्हें जरूरत नहीं है? क्या इन्हें आपके साथ की जरूरत नहीं है? 65 साल 70 साल की उम्र के बाद एक आदमी एक इंसान भगवान की तलाश में निकलता है, जबकि हकीकत यह है कि भगवान उसकी तलाश में ही भी निकलता है। और क्यों हम 60 साल 70 साल के बाद ईश्वर के यूनो स्थान पर जाकर अपना माथा रखकर कहते हैं कि हे ईश्वर मेरे को अपने पापों के लिए माफ कर दें, जबकि आपके पास मौके हर कोने पर है, हर चौराहे पर है, हर मोमेंट आपको एक मौका मिल रहा है किसी ऐसे इंसान की मदद करने का जो आपके कर्म बदल दे। देखिए साहब, आपकी प्रार्थनाओं की वजह से या आपका ये कहने की वजह से कि मेरी किस्मत खराब है, आपका वक्त खराब नहीं है। आपका वक्त इसीलिए खराब है क्योंकि आपके कर्म खराब है। What goes around comes around। उम्मीद है आपको गायत्री वात्सल्य जैसे लोग से इंस्पिरेशन मिले और आप वो करें जो करना सही है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन रात की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो आसपास के बच्चों को बुलाकर सिखाती है, समझाती है, पढ़ाती है, प्रेम भाव देती है और आगे जाकर ऐसे बच्चों के लिए काम करती हैं जो बच्चे वाकई में बहुत अलग हैं और अपना नाम और अपनी शख्सियत आसमान तक पहुंचाने की ताकत रखते हैं, तो समझिए वो गायत्री वात्सल्य बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।